बच्चे डे 30 में हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे क्लास 12th का, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें बेटा हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे जो पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही आप लोग फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हो सबसे पहली बात, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट जो होगा वो एंजियोस्पर्मिक डिवीजन में आएगा, ठीक है। शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर प्लांट का एक जो कंपोनेंट है वो एक साइट होती है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि उसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होता है, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल, ठीक है बच्चे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम इन फ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लोरल बर्ड जो होता है वहाँ से हमारा फ्लावर डिराइव होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि जो फ्लावर का हम क्यों पढ़ते हैं फ्लावर को, क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें डिटेल में देखने हैं, ठीक है। और दूसरा, हम लोग इस चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे फ्लोरल प्राइमोडियम्स क्या होता है, एक फ्लोरल एक्सिस है जहाँ से फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, और फ्लावर की डेवलपमेंट के बाद फ्लावर के ऊपर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 2 पार्ट, एंड्रोशियम्स एंड गाइनोशियम्स, ठीक है। टिपिकल फ्लावर के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स, ठीक है बच्चे। एंड्रोशियम क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है एंथर, ठीक है, और इसके साथ जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कंबाइन करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, राइट। देखो, अब इट कंजिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ स्टेमेंस, देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। स्टेमन हैज़ 2 पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक होती है, प्रॉक्सिमल एंड टू द थैलेमस पेटल्स ऑफ द फ्लावर। एंथर जो है टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब, ईच लोब हैज़ 2 थीका डाइथिकस, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोरन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है बच्चे। देखो, ये आता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में आप लोगों ने देखना, उसके सेंटर में क्या होता है बच्चे, उसके सेंटर में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और बाहर जो है एपिडर्मिस, और अंदर जो ये लेयर है इसको एंडोथीशियम, और सबसे अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, बेसिकली जिससे आगे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाहर कौन सी लेयर होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर कौन सी लेयर है, टेपिटम लेयर, जो एक्चुअल में स्पोर को नरिश करती है, ठीक है। और एक मिडल लेयर आती है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे आगे क्या बनता है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो एक्चुअल में मेल गैमेट कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंजिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरिंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब्स, द माइक्रोस्पोरिंजिया डेवलप द पोलन सैक, ठीक है। माइक्रोस्पोरिंजिया जो होता है वो कहाँ पहले बनाएगा, पोलन सैक बनाएगा। द एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल ऑल दो द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पैक्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरिंजियम, तो माइक्रोस्पोरिंजियम के स्ट्रक्चर में हमने देखा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, इनर लेयर जो है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो 3 लेयर्स हैं ये गिव्स प्रोटेक्शन, हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर एंड रिलीज द पोलन। तो ये 3 लेयर हैं कि एंथर कहीं टूट ना जाए, और साथ में इसका एंथर जो है वो कहीं रिलीज ना हो जाए, इसलिए हमारे पास ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। टेपिटम नरिश करती है पोलन ग्रेन को, हम लोग पहले डिस्कस किए थे। सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मेम्ब्रेन होती है। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरिंजियम हैज स्पोरोजिनस टिश्यू एट सेंटर, इट कंजिस्ट ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस डिप्लॉइड सेल, दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस सेल, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट, इसमें ये स्ट्रक्चर आपके पास है, ये देखो, जैसे ये आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर पोलन मदर सेल्स, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, ये बनेगा हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, ठीक है, इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मियोसिस समझते हो बच्चे, जैसे 2n का n बनना, उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड
डाइहाइड्रेट द माइक्रोस्कोप डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप द पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर क्या बनेगा बच्चे, पोलन ग्रेन डेवलप होंगे, कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये पोलन ग्रेन बन रहे हैं। ईच माइक्रोस्पोरिंजियम कंटेन थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स, दे आर रिलीज विद द डिसेसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर की मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होने से थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स पोलन सैक में से रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है बच्चे, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। जनरली स्फेरिकल 25 to 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ पोलन ग्रेन हैज़ टू लेयर्ड वॉल, एक्साइन एज वेल एज इंटाइन। एक्साइन जो है हार्ड आउटर कवरिंग होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन, किसी भी एंजाइम से ये मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती है। एक्साइन हैज़ अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, इस एक्साइन में एक अपर्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म स्पोर बोलते हैं। वेयर द स्पोरोपोलिन इज एबसेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एबसेंट होता है और वहाँ से फिर हमारा पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इजिली ब्रेक हो जाती है मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। एक्साइन एग्जिबिट द पैटर्न ऑफ डिजाइन, इंटाइन इनर वॉल एंड थिन कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखोगे, अ मैच्योर्ड पोलन ग्रेन कंटेन टू सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल्स और एक होता है बच्चे जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है ये क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, इट इज़ बिगर इन साइज, अबंडेंट फूड। ठीक है, फूड स्टोर करता है बच्चे। ठीक है, और डेवलपिंग हमारे जनरेटिव सेल्स को न्यूट्रिशन नरिश करेगा। ठीक है, ये एक सेल है हमारे पास, इसके अंदर न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स है। ठीक, पहले ये सेल था, फिर क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर ये वैक्यूल्स बन गया, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ठीक है, फिर वैक्यूल्स के बाद क्या हो गया बच्चे, ये वैक्यूल्स क्या हो गए, वैक्यूल डिवाइड हो गए और डिसअपियर होना शुरू हो गया। और फिर एट द एंड क्या हो गया, एक वेजिटेटिव सेल्स बन गया न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, और एक जनरेटिव सेल्स बन गया। जनरेटिव सेल थोड़ा छोटा है और वेजिटेटिव सेल्स थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो जो ये वेजिटेटिव सेल्स है ये जनरेटिव सेल्स को नरिश करता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें जनरेटिव सेल्स इज अ स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ओवर 60% एंजियोस्पर्म शेयर दियर पोलन ग्रेन्स एट टू सेल स्टेज। ठीक है, टू सेल स्टेज पे ही हमारे पास क्या होता है बच्चे, 60% जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। बट इन अदर जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू मेल गैमेट्स, दिस पोलन ग्रेन इज शेयर टू थ्री सेल स्टेज। ठीक है, 40% जो होता है वो थ्री सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, और जो होता है हमारे पास जैसे 60% जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल स्टेज पे ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, द पोलन द शेड पोलन ग्रेन्स हैव अ लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल राइस वीट एक्सेट्रा इज 30 मिनट्स। सम मेम्बर ऑफ लेगमिनियस रोजेशी एंड सोलिनेशी हैव वायबिलिटी फॉर अ मंथ। ठीक है, कुछ स्पीशीज होते हैं जिनके पोलन जल्दी वायबल होते हैं और कुछ होते हैं जिनका थोड़ा एक मंथ तक लगता है, कुछ मंथ फॉर अ मंथ। रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चे, क्या होता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं पोलन ग्रेन्स को, पोलन टेबलेट आर यूज्ड फॉर अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट सिर्फ इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। दे आर स्टोर फॉर ईयर्स लिक्विड नाइट्रोजन इतने पे। दे कैन बी यूज्ड एज अ पोलन बैंक। ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स दैट इज पार्थिनियम और कैरेट ग्रास एलर्जिक फॉर सम पीपल्स, इट लीड टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा ब्रोंकाइटिस। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा क्या, ये हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग देखेंगे गाइनोशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, 3 दिन में हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है बेटा, तो इसके मेजर मेजर पोर्शन पे आपको ध्यान देना, ट्रांसवर सेक्शन ऑफ एंथर देखना आपने, एंड्रोशियम देखना आपने। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे पोलन ग्रेन देखोगे इसका, मेल गैमेटोफाइट इंटाइन एक्साइन क्या होता है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं बच्चे। ठीक है, वैक्यूल्स बनता है, फिर उसमें से डिवाइड कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, टू सेल स्टेज पे कितना पोलन मैच्योर होता है और थ्री सेल स्टेज पे कितने परसेंट पोलन मैच्योर हो जाते हैं, तो ये आपने देखना, इन पे मेन मेन
पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन भी 2 से 3 आप लोग देख लेना, क्योंकि हम पोलन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और ये क्या होते हैं, पोलन रिच इन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।